So hello guys, this time first time for the first time you are watching me live. Welcome back to my channel Python Spark. Myself Radha Vats, and most requested video है ये, ठीक है? क्योंकि काफी लोग मेरे को messages करते रहते हैं, मैम कैसे prepare करे, कैसे तैयारी करे and all that. तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ, ठीक है? तो I hope आपको ये video पसंद आए. इनके से अगर पसंद आता है, like, share and subscribe, ठीक है? और देखो, सबसे पहले तो ये सिलेबस है क्लास 12 आईपी का. जो भी आपका सिलेबस आ रहा है वो सारा सिलेबस मैंने कवर किया है, ठीक है? उसके बाद कवर करने के बाद अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, डेटा हैंडलिंग पांडास कंप्लीट करा दिया है मैंने, ठीक है? ये आपका कंप्लीट हो चुका है. अब इसमें आपको देखना क्या है कि यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है. देखो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज जो है वो मैं कवर करा चुकी हूँ, ये भी कवर करा चुकी हूँ. मतलब ऑलमोस्ट मैंने पांडास के 6 पार्ट कवर किए हैं और उसमें मैं ये सारा पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है? बट द थिंग इज दैट कि ये सारा पढ़ने के लिए आपको 11th के टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है? अगर आपको 11th के टॉपिक्स नहीं आते हैं तो ये सारा पढ़ के भी मतलब ये रहेगा कि आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा, बिकॉज आपका बेस क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आपको बेस क्लियर करना है, देखो आपको क्या क्या जानना पड़ेगा. इंडेंटेशन क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है? कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स और फॉर लूप. मैं ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक. लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है. मतलब ये है मेरा पॉइंट कि अगर आप डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास को पढ़ना चाहते हो एक्चुअल में, ठीक है? तो बच्चे पूछते हैं मैम हम शुरू कहाँ से करें. क्यों? क्योंकि 11th का उनका बेस क्लियर नहीं रहता है, ठीक है? तो 11th का बेस क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले 11th का पढ़ो, ठीक है? अभी आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है? 6 महीने में आप दुनिया पलट सकते हो एज सच, ठीक है? क्योंकि आईपी जो है एक ऐसा मतलब जो सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स 90s में स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? और मतलब अच्छा स्कोरिंग है अगर आप थोड़े से भी एफर्ट इसमें लगाते हो. लोग क्या सोचते हैं, जैसे साइंस स्टूडेंट हो गए वो फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझे रहते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हो गए वो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में उलझे रहते हैं, तो इसको अटेंशन पे नहीं करते. अगर आप इस पर अटेंशन पे करोगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देने वाला है. मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन इस पर दे देते हो तो आपको बहुत अच्छे स्कोर मिल जाएंगे और आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो आई मस्ट से कि आपको ट्राई करना चाहिए, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए. पढ़ने के लिए यू मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें कवर अप करते हैं, क्योंकि अगर आपको आई एम श्योर कि अगर आपको ये नहीं आता है, इतना टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. स्पेशली अगर मैं कहूँ ये 3 चीज़ें, इफ एल्स, लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है? ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. कॉन्स्टेंट वेरिएबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद आपका डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, डीबगिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट. मतलब ये ऑलमोस्ट मैंने वही इंक्लूड किया है जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है? फिर ऑपरेटर्स कौन, प्रेसिडेंस यानी कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कौन सा, इस पर भी मैं ऑपरेटर्स पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, डेटा टाइप्स पे बना चुकी हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है, इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे देना है, ठीक है? डेटा टाइप कैसे कन्वर्ट करना है, इफ एल्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, फॉर लूप पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, ठीक है? लिस्ट ये आपकी, इस पर मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है? आप 4 ना भी देखो तो पहली 3 ज़रूर देखो, ठीक है? पहली 3 ज़रूर देखो. डिक्शनरी पे एक ही वीडियो है एंड दैट इज़ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो सारा डेटा फ्रेम आपका, जितना भी आप डेटा फ्रेम बनाओगे वो सब डिक्शनरी पे बेस्ड है, ठीक है? आप अगर सीरीज बना रहे हो तो लिस्ट पे बेस्ड है. फॉर लूप चाहिए आपको, इफ एल्स लगाना है, तो मतलब आपको लिस्ट तो आना ही आना चाहिए. लिस्ट और डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको नहीं आती तो आप सीरीज, डेटा फ्रेम या आगे आने वाले चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है? ये भी डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास चल रहा है. मैंने इसमें वीडियो लेक्चर्स, मतलब मैंने बता दिया कि मैंने कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो अब 11th क्लास से कौन कौन से चाहिए आपको, एक तो पाइथन बेसिक, ये सबसे पहला वीडियो था मेरा. ऑपरेटर्स, इफ एल्स क्या होता है, लूप क्या होता है, जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? एज सच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी मैं जंप स्टेटमेंट को, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता है, बट अगर आप जानना चाहते हो तो इसको पढ़ लेते हो. बट जंप स्टेटमेंट को छोड़ के आपको स्ट्रिंग आना चाहिए, लिस्ट,
टपल डिक्शनरी, ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कर सकते हो, इसका मैंने यूज़ नहीं देखा है इतना पाइथन में, बट हाँ एज सच ये सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए क्लास 12th में अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, अब ये जो पांडास है आप पांडास इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास 12th के पांडास के 6 पार्ट्स बना के अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, उस 6 पार्ट मतलब मैंने जो भी सीबीएसई का प्रेस्क्राइब सिलेबस है मैंने स्टिक टू द सिलेबस रही हूँ। देखो अगर आप मेरे पास सुमिता अरोड़ा भी है, प्रीति अरोड़ा भी है, सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो एज सच अगर मैं उनसे पढ़ाने लग जाऊंगी तो आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा। वैसे मैं उनसे पढ़ाती हूँ बट इन माई पर्सनल क्लासेस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा और आप थोड़ा पढ़ भी नहीं पाओगे। वो थोड़ा आपका जब तक आपको उसमें बहुत गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी उन टॉपिक्स को समझने की। तो जितना सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है मैं इन 6 वीडियोस में करा चुकी हूँ, बट इन 6 वीडियोस को समझने के लिए आपको ये सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि वट इज ऑपरेटर, वट इज इफ एल्स, वट इज लूप, तो आप पांडास कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये वही है डेटा हैंडलिंग, पिछले वाला ही सिलेबस है, बट मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया कि मैंने कौन कौन से वीडियोस लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। आप इन वीडियो लेक्चर्स को वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, डेटा विजुलाइजेशन अब आपका जिसमें आप प्लॉटिंग करते हो, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। क्लास 12th का जो लेटेस्ट वीडियो है डेटा विजुलाइजेशन पाइपलॉट के नाम से, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आपका सिलेबस सीबीएसई ने मतलब इतना इजी कर दिया, सिर्फ आपको 3 ही प्लॉट बनाने, एक लाइन प्लॉट, एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम, 3 ही सीखने हैं। ठीक है, मैं तीनों करा चुकी हूँ। लेबल ऐड करना आना चाहिए, टाइटल ऐड करना चाहिए और लेजेंड ऐड करना चाहिए, मैं तीनों ऐड करके आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें जाननी पड़ेगी, इसमें भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट तो मतलब समझ लो कि आपका बेसिक है। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी आपका बेसिक है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। एक तो पाइथन बेसिक की, एक ऑपरेटर की, एक स्ट्रिंग्स कैसे यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग आपका आएगा प्लॉटिंग के टाइम पे। ठीक है, लिस्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टपल्स भी आप प्लॉटिंग में यूज करोगे और डिक्शनरी भी प्लॉटिंग में यूज करोगे। तो इन टॉपिक्स को तो आप ये समझ लो कि ये तो रिक्वायर्ड है। ये मैं बार बार क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जो टॉपिक समझने के लिए, डेटा विजुलाइजेशन समझने के लिए ये टॉपिक्स आना जरूरी है। ठीक है, एज सच कि अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो आप डेटा विजुलाइजेशन इजिली समझ पाओगे। ठीक है, और मैंने क्लास 12th का ये मैंने बता दिया है कि मैंने डेटा विजुलाइजेशन अपलोड किया है, उसका हैश पाई प्लॉट दिया हुआ है, तो आप प्लीज जाके उसको रेफर कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है वही है। ओके, नाउ डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि बस यही यही पढ़ना है, जैसे पावर पढ़ लिया, राउंड पढ़ लिया, और इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या, एडवांटेज क्या है, और ये सब क्रिएट टेबल सेलेक्ट। तो बेटा ऐसा मत सोचो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीबीएसई ये सोच के बैठी है कि ये 11th का सिलेबस तुम पहले ही कर चुके हो। ठीक है, तो सीबीएसई तुम्हें दोबारा देने का कष्ट नहीं कर रही, पर इसका मतलब ये नहीं है वो एग्जाम में नहीं देगी। ठीक है, एज सच ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं देगी। लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देख लो, सीबीएसई का पैटर्न सेम है, सीबीएसई का ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, सिर्फ कुछ डिजिट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप सीएस का पेपर उठा के देखते हो, 7 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन, उसमें भी फिक्स है कि 5th क्वेश्चन एसक्यूएल का ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपको दे दिया है सिर्फ इतना ही आएगा और आप इतना पढ़ के जाओगे। आपको अपनी तरफ से आपका 11th का पूरा सिलेबस आना चाहिए बकायदा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत बड़े लॉस में हो जाने वाले हो। ठीक है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं ये सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ अपनी सारी वीडियोस में, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा है, एक एक पॉइंट। ठीक है, सारी वीडियो मैं इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, इनको जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, 11th क्लास से ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हो और आपको रेफर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़े, मैंने इसके ऊपर 8 वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, उसमें से 8th वीडियो रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। लेकिन 1 से लेकर 7 तक की वीडियो, चाहे बच्चे सीएस के हैं चाहे बच्चे आईपी के हैं, करना तो पड़ेगा। ठीक
ठीक है, करना तो पड़ेगा इतना समझ के चलो, और उतना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको वो वीडियोज आनी चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार नहीं आता दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आता तीसरी बार देखो, समझोगे कैसे? ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं यार मेरे तो कंप्यूटर बस की ही नहीं। अरे यार कैसे बस की नहीं, तुमने उसको टाइम कितना दिया? टाइम तो दो उसको, ठीक है, टाइम दोगे तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि आप दो लाइन पढ़ रहे हो उसके बाद कह रहे हो अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से प्रोग्रामिंग नहीं होगी, और आपने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता काम, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसे वक्त देना पड़ेगा। एक बार वीडियो में समझ नहीं आता दोबारा देखो तिबारा देखो, कभी कभी ऐसा होता है मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो कवर कर देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। बट आपको क्या है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, तो एज सच इतना सोच के चलो। अब मैंने कौन कौन से लेक्चर अपलोड किए, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि किस लेक्चर में क्या है, पार्ट वन में क्या है, पार्ट टू में कैंडिडेट की प्राइमरी की, पार्ट थ्री में क्या है। आप अपना सिलेबस उठाओ, ठीक है, जो भी आपका सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है उसको उठाओ और इससे मैच करो। देखो अगर यहाँ पे सम एवरेज की बात करो, जितने भी आपके ये इन है नॉट इन है डेट टर्म, ये जो यू केस अपर केस ट्रिम, ये देखो ये सारा मैंने यहाँ करा रखा है इस वीडियो में, ठीक है, पार्ट सिक्स में। अगर आप डेट फंक्शन देखोगे, ये वाला पॉइंट, ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है जो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रही हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि क्लास 11 से क्या रिक्वायर्ड है और मैंने किन किन वीडियोस को अपलोड किया है जिनको आप रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आपके मैथ फंक्शन हो गए, फिर आपका ये जो पार्ट फाइव हो गया, इन हो गया नॉट इन हो गया, मतलब मैंने ऑलरेडी आपका सारा कवर करा दिया, आपको सिर्फ पढ़ना है। जो पहली दो वीडियोस है एसक्यूएल पार्ट वन और पार्ट टू, इसमें मैंने आपका कवर किया है सिर्फ थ्योरी पार्ट, ठीक है। थ्योरी पार्ट कवर करने का मकसद क्या है भाई, देखो वो तुमसे पूछेगा कैंडिडेट की प्राइमरी की अल्टरनेट की, एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, वो ये पूछ लेगा, एक आपको टेबल दे देगा, बता देगा, पूछेगा इसमें कैंडिडेट की कौन सी है, पूछेगा इसमें प्राइमरी की कौन सी है। अगर आपको आता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आप कैसे जवाब दोगे? उसका पूछना तय तय है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा, वो कैंडिडेट की पूछेगा, वो प्राइमरी की पूछेगा, ठीक है, तो ये बात, वो डिग्री पूछेगा, कार्डिनैलिटी पूछेगा। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप कहाँ से लिखोगे? वो तो ये मान के चला आप इलेवंथ में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर ये सिलेबस दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही आएगा। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि इलेवंथ का पढ़ के जाना है। तो अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो, इतना इनफ नहीं है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, देखो बाकी तो जावा और C++ है, वो नहीं पढ़ना, लेकिन जितने SQL के क्वेश्चन है उनको उठाओ और करो, ठीक है, एक तरफ से कर लो। मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं फाइनल में उनको यही कराती हूँ, पेपर उठाती हूँ और करवाती हूँ। SQL के लिए तो उनको मैंने मतलब रटवा देती हूँ कि एक एक शीट उनकी कंप्लीट होती है। तो वही काम आपको करना है, इतना करने के बाद पेपर डाउनलोड करो, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है, और SQL के क्वेश्चन उठा उठा के लगा लो, बस इतना काम कर लो, SQL तुम्हारी पूरे पूरे के पूरे 101% फुल मार्क्स आएंगे। अब आया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में देख लो, लैन है, मैन है, वैन है, ठीक है, फिर उसके बाद ये मॉडम हब स्विच है, ये सारी चीजें मैं कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट वन और कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट टू में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मतलब मेरी तरफ से इतना समझ लो कि मैं IP का सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आपका काम है उसको देखना, उसको रेफर करना, फिर उससे पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इतना मैंने आपके लिए कर दिया, आई थिंक दिस इज वेरी मच, ठीक है। बट फिर भी आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो आई एम ऑलरेडी टेकिंग क्लासेस, यू कैन ज्वाइन द क्लास, ओके, यू कैन रजिस्टर फॉर द क्लास, यू कैन ज्वाइन इट, एंड फिर उसके बाद जो भी चीज़ है मैं खुद स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ। मैं 6 महीने का वैसे भी क्रैश कोर्स चला रही हूँ जिसमें कि मैं IP और CS दोनों की क्लासेस ले रही हूँ, तो इट्स ऑल अप टू यू। इन केस अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, आप वीडियो इस वीडियो को रेफर करो, ये देखो कि किस हिसाब से मुझे पढ़ना है, किस किस चैप्टर के लिए कौन सी वीडियो देखनी है, किस सिलेबस के लिए क्या रेफर करना है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लगता है आप पढ़ सकते हो देन इट्स वेरी गुड। इन केस अगर आपको लगता है यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं होगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा, कुछ क्वायरी कुछ क्वेश्चन मुझे पूछने पड़ेंगे तो मैं किससे पूछूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है यू कैन जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ, आई एम हेयर फॉर यू। ओके, सोसाइटल इम्पैक्ट्स, देखो सोसाइटल इम्पैक्ट्स में सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हैं,
थ्योरेटिकल चैप्टर है सोसाइटल इम्पैक्ट्स और आपका जो वो नेटवर्क वाला है, तो दोनों में क्या है कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंप्लीटेड है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, एज सच, क्योंकि मैं सोसाइटल इम्पैक्ट जितने भी एक एक टॉपिक, डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, नेट एंड ये कम्युनिकेशन एटिकेट्स हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, मैं ऑलरेडी आपके इस वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, तो इससे बाहर मत जाओ क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ लेगा फॉस की फुल फॉर्म क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम पूछ लेगा, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको बस उसे बताना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सोसाइटल इम्पैक्ट्स में। आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको मेहनत करनी है पांडास पढ़ने में, ठीक है, और आपको मेहनत क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है एसक्यूएल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका यही कवर करेगा। नेटवर्किंग के में भी आपको कुछ भी बाहर से बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज सच, आप वीडियोस देख लो, इतना ही काफ़ी है। और अगर नेटवर्किंग के एग्जांपल देखने हैं तो लास्ट ईयर के पेपर्स पढ़ो, नेटवर्किंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, सारा आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो आप मेरा ये शेड्यूल है, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, नया बैच चालू है ऑलरेडी और अभी अभी मैंने सिलेबस स्टार्ट किया है, और आईपी की क्लासेस हो रही हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन ऑफ कोर्स। और पेड नोट्स और सैम्पल पेपर्स मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, जैसे कि अगर आप सैम्पल पेपर अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में और शायद आगे हो या ना हो, आई रियली डोंट नो, तो मैं खुद नोट्स दे रही हूँ, मेरी वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा नोट्स मिल जाएंगे, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है, और सैम्पल पेपर मैं क्रिएट करने वाली हूँ, तो मैं वो सारे सैम्पल पेपर प्लस आपकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सेशंस में लेती हूँ, मैं जूम के थ्रू क्लासेस लेती हूँ, तो प्रैक्टिकल सेशन जो होते हैं वो मेरे मैं जुपिटर से कराती हूँ, ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेशंस हो गए, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मेकिंग का गाइडेंस हो गया, फाइल मेकिंग का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि मैम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, फाइल क्या बनाएं, तो आई एम देयर फॉर यू। और इन केस आपको फ्री डिटेल्स चाहिए तो यू कैन जस्ट इनबॉक्स मी, मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है नीचे, ठीक है, तो आपको फ्री डिटेल्स के लिए कोई क्वेरी चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट मी इन माय इनबॉक्स, ठीक है, आई विल गिव यू दैट, एंड आई होप यू एंजॉयड, और आई होप कि आप अब थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी कर ही देना, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाय बाय।